कांग्रेस द्वारा मध्य प्रदेश में खाद की कमी और कालाबाजारी को लेकर लगाए गए आरोपों पर कृषि मंत्री एंदल से कंसाना ने पलटवार करते हुए कहा, मध्य प्रदेश में खाद की कोई कमी नहीं है, किसानों की आवश्यकता अनुसार उर्वरक उपलब्ध कराई जा रही है। विपक्ष पार्टी झूठ बोलकर किसानों को गुमराह कर रही है। कांग्रेस के पास कालाबाजारी का कोई ठोस सबूत है तो बताएं, हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मंत्री कंसाना ने इस दौरान दिग्विजय सिंह पर भी जमकर निशाना साधा। चैनल के माध्यम से हमारे कांग्रेस के मित्रों को कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की गलत जानकारी न दें, किसान को भ्रमित न करें। ये किसान को भ्रमित कर रहे हैं कि नहीं, डीएपी के बगैर आपकी फसल अच्छी नहीं होगी। ऐसा कुछ नहीं है, डीएपी के बगैर अन्य और भी खाद हैं, उनके वजह से हमारी फसल और इससे भी अच्छी हो सकती है। रहा सवाल आरोप प्रत्यारोप का, उनके पास कोई ठोस सबूत हो तो हमें बताएं, कहाँ कालाबाजारी हो रही है, कहाँ क्या हो रहा है। कहीं कह रहे हैं कि कहीं सोसाइटियों में हो रहा है, कहीं कह रहे हैं कि खाद बीज में हो रहा है, ऐसे ही धुआं में लाठी मारना। अरे भाई, कहीं हो रहा है पर्टिकुलर हमें बताओ ना, फलानी जगह कालाबाजारी हो रही है हमें बताओ, हम छापा डलवाएंगे, हम कार्रवाई करेंगे उनके खिलाफ। रहा सवाल माननीय दिग्विजय सिंह जी से, मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि आज ये किसानों की बात इनको याद आ रही है। 50 साल देश पे राज किया कांग्रेस ने, जब किसानों के लिए क्या किया इन्होंने। माननीय दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री रहे मध्य प्रदेश में 10 साल, और उनके राज्य में किसानों पर लाठियां बाजी गई मुरैना में, मेरे सामने की बात है। हम उस समय पुलिस से लड़े, मैंने पुलिस से कहा तो पुलिस वालों ने मेरे से कहा कि हमारी गलती नहीं है, ये प्रदेश सरकार के मुखिया से बात करो। और आज हमारी सरकार में इस प्रकार की कोई शिकायत कहीं लाठियों की आई हो तो मुझे बता दो। हाँ, भीड़ भाड़ एकाध जगह जरूर हुई है, चाहे वो शिवपुरी हो चाहे मुरैना हो, बिल्कुल इस प्रकार की कोई बातें नहीं है कि हमारे किसानों के साथ बर्बरता हुई हो, किसानों पर लाठी चलाई हो। ये कहना कांग्रेस का बिल्कुल निराधार।